चीज़ है तुम कर लोगी। मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा था, सबरी ने कहा नहीं सनम नहीं कर सकेगी, नहीं करने दें। सबरी को ये था कि नहीं कर सकेगी, हाँ, ये शाय है, हाँ, मतलब भी इससे नहीं होगा। मैंने जब काला किया तो समीना जी, वो एक हम हमेशा सुनते ना कि रात में आप स्क्रीन पे और सुबह हिट हो गए, जिस दौर में मैं आई उस दौर में वो जमाना नहीं था, पीटीवी नहीं था कि रात में आप आए और सुबह हिट हो जाए। बट ट्रस्ट मी, मेरी वो छोटी जो शॉर्ट फिल्म थी कालक या टेलीप्ले था, छोटा प्ले था, वो मैंने रात को किया एंड मुझे रात में ही कॉल सबरीन को कि सबरीन ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि उसमें मैं गंजी भी हुई। तो मैंने बहुत एफर्ट करके किया, मुझे पूरी एक्टिंग करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मेरे लिए मुश्किल है। फिर मैं हुमायूं सईद, ऐसा नहीं कि मैं हुमायूं सईद को देखने, मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी तो देखने जाती थी, बट ऑब्वियसली वहाँ पे हुमायूं सईद होते थे, वहाँ पे अदनान सिद्दीकी होते थे, वहाँ पे आयशा खान और सबरीन ड्रामा कर रही थी, तो मैं वहाँ पे सेट पे जाती थी देखने के, यार मैं जाऊँ ज़रा मिलूँ। तो मुझे हुमायूं ने एक दिन कहा कि तुम क्यों नहीं काम करती, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना। और सेट पे एक दफ़ा ना किसी का झगड़ा हो गया था, जब मैंने काला किया था मैं सहम गई थी, डर गई थी, मुझे झगड़ों से बहुत डर लगता है, मुझे लाउड होने से बहुत एक होता है कि अब थोड़ा सा मैं खुद भी हो जाती हूँ, क्योंकि काम के साथ मुझे लगता है वक्त आपको चेंज कर देता है, लेकिन शुरू में मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी। तो फिर मुझे हुमायूं ने कहा, तो हुमायूं ने वाकई फिर महरीन जब्बार का मुझे ड्रामा पहला ऑफर हुआ दोहराहा, उमेरा अहमद ने लिखा और उसमें हुमायूं सोनिया उसमें थी, और मुझे किसी ने कहा, सबरी ने कहा तुम्हारी सोच है महरीन जब्बार उमेरा अहमद हुमायूं सोनिया, तुम्हें कितना बड़ा ड्रामा मिला है, तुम्हारी सोच है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने वो किया। स्टेपफादर से कैसा रिलेशनशिप है? मेरा बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा हमेशा रहा उनसे, क्योंकि शायद मुझे बहुत छोटी थी तो मेरी उनसे एक अटैचमेंट थी, तो मेरा उनके साथ हमेशा अच्छा रहा। बहन भाइयों में किसके करीब? बहन भाइयों में कमाल की बात, हम सारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैं कहती हूँ हम एक दूसरे के माँ बाप भी हैं, चाचा मामा भी हैं, ताया पप्पू भी हैं, दोस्त भी हैं, हम सब कुछ एक दूसरे के हैं, हम बहन भाई हैं। तो ये कहाँ से, ये हिस्बानी कहाँ से नाम आया? जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, बलोचों में बहुत सारी कास्ट होती है, मेरी बलोच। Why you not Hisbani? मेरे सर्टिफिकेट में बचपन से वो जो बलोच लिख दिया गया तो मेरे नाम से सनम बलोच ही कंटिन्यू किया गया, उनके नाम से जो हिस्बानी लिखवाया गया तो वो नाम फिर उसी तरह चला। बट लोग समझते हैं कि जी ये सगी बहनें नहीं है या ये अलग है, तो ऐसा नहीं है। जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, इस तरह बलोचों में बहुत सारी कास्ट, हम हिस्बानी बलोच हैं। तो मेरे नाम से बलोच, तो वो मैंने बलोच को ही कंटिन्यू किया। सबरीन को अपना हिस्पानी अच्छा लगता है तो वो हिस्पानी लिखा हुआ है। आपकी फैमिली में कितनी जबानें बोली जाती हैं? हमारी फैमिली में नाना और नानी जब आपस में बोलते थे हमसे बड़े प्यार से, बात की आपस में झगड़ा किया सराइकी में है, उसी वक्त सराइकी आ जाती थी। ठीक है, या कोई बात, आपस में उसी वक्त सराइकी में बात करते थे, हमसे सिंधी में बात करते थे, और हम लोग घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वो सिंधी में बात करते हैं, और अगर बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं। फारसी नहीं थी कहीं पर भी? फारसी नहीं थी, बट हम जो है माइग्रेट करके, हम बलोच जो है वो ईरान से, हम लोग माइग्रेट करके, जो हमारे बड़े थे वो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में यहाँ पे आए, हम सिंध में आए तो हम सिंधी ज़्यादा बोलते हैं। वो कैसे आ गई सराइकी? सराइकी जो है वो नाना नानी वो लोग बोलते थे और उनके अम्मी अबू, तो वो कई सालों से लाइक फिर वो जो माइग्रेट करके जब हम ईरान से वहाँ पर आए। मैं सिंधी तो हम लोग बोलते हैं, उर्दू हम लोग बोलते हैं, और सराइकी टूटी फूटी बोल लेते हैं, बाकी जहाँ पे अंग्रेजी का काम चलाना वहाँ पे अंग्रेजी का काम चला लेते हैं, जहाँ पे बलोची का काम चलाना वहाँ पे थोड़ा सा बलोची का काम चला लेते हैं, तो इस तरह की पांच छह। तो जब ये एक्ट्रेस पंजाबी तो ऑब्वियसली वो सब सराइकी है, तो पांच छह जबाने मतलब ये आप प्ले कर सकते हैं। कर सकते हैं। किस किस्म के मर्द अच्छे लगते हैं? जो बाकी मर्द हों, जो सही मायनों में मर्द हों, जो इंसान के बच्चे हों, जो झूठे ना हों, जो सच बोलते हों। मैं कहती हूँ आजकल मुझे औरतों में मर्द ज़्यादा नज़र आने लगते हैं,
मर्दों में मुझे औरतें ज्यादा नजर आने लगी हैं। मैं कहती हूँ किसी मर्द को भी है मैन कि एक औरत इवेंचुअली वो मर्द बन जाती है जैसा वो चाहती है, चाहती है। हाँ मैं वो हूँ कि मैं सच बोलूंगी। अगर मुझे किसी के सामने कोई एतराफ करना होगा ना शायद मर्द नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो सच बोलता। तो ये मोहब्बत कब हुई थी कि शादी हो गई? Yeah. ये कब चुपके से हुई थी? और मैं भी वहां थी और पीरू भी गए थे तुम्हारी शादी में। yes, हाँ, ये किस तरह आ गया था भाई अब्दुल्ला? अब्दुल्ला इस तरह आया था कि क्योंकि वो लिखा हुआ था, वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ अच्छा। था। अल्लाह ने उसको, तुमने मांगा था या खुद ही चला आया था? नहीं नहीं, हम मैं समा टीवी पे अचानक ही, वो अचानक समा टीवी पे आया। उन्हीं दिनों में हमने ज्वाइन किया था चैनल, कुछ दिन पहले वो आया था, कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद में आई। और वो शादी का कोई प्लान नहीं था एंड शादी हो गई उसके। अब मैं शायद वो वाली वो ना कि उसके माँ बाप भी आए तो उनसे भी बात हुई, ये तो आंटी मैं आपको यहाँ पे अम्मी लेके चलती हूँ, अब आपको कहाँ जाना है मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं उस तरह की हमेशा से रही हूँ। तो अब्दुल्ला मुझे बहुत एक डिफरेंट बंदा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिसेंट। और हम लड़कियाँ वो भी होती हैं ना कि यार मैंने इसको कहा तुम 8 बजे पहुँचो या 9 बजे पहुँच जाए, मैं किसी और को कह दी तो वो 7 बजे पहुँचता तो शायद थोड़ा सा उस दुनिया में। तो he's a nice guy. हाँ अब्दुल्ला से मुलाकात अचानक हुई, अल्लाह की तरफ से लिखा था एंड वो होना था, झट मंगनी पट ब्याह हो गया। हाँ वो वाली बात। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, we were very good friends, और हमें लगा कि हम सारी जिंदगी बहुत अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, he's a nice guy. Are you friends? अभी भी है वो, आप दोस्त हो? No, we are not. लेकिन हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे ये पता है। That's very nice. मुझे ये पता है कि वो कहीं पे भी होगा तो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। वो मुझे कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। और आज मुझे भी ये पता है उसकी कामयाबी मुझे खुशी देगी, उसकी खुशी मुझे खुशी देगी, उसका गम मुझे गम देगा। एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी? बहुत खुश। माय फैमिली। जब मेरी फैमिली खुश हो, जब मेरी फैमिली मेरे आसपास हो, मेरे लिए उस दिन अगर मुझे पता हो ना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह जमा हो रहे हैं तो पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एक तरफ मुझे ये पता हो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स मेरा पूरा ख़ानदान एक तरफ जमा हुआ हुआ है जहाँ पे सिर्फ बिरयानी बनी हुई होगी या चावल बने होंगे, दाल चावल होंगे, लेकिन हम सब साथ में बैठे होंगे, मेरे कजिन्स वो सब। बस कैसी बातें करते जब सब इकट्ठे होते हैं? एक दूसरे की क्लास लेते हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ओए अपने ड्रामे में देखा था कैसी मोटी लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी, इस तरह की बातें। एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। फिर जी किसी दो बहनों की आपस में लड़ाई होगी तो ले धड़ाधड़ झगड़ा लड़ाई, फिर हम बस करते हैं, फिर वो वाला होता है, फिर एंड यहाँ पर होता है, हर कोई अपने कमरे में चला जाता है। और कितनी देर लगती है दोस्ती वापस करने में? अगले दिन सुबह साथ में बैठ के खाना होता है, चाय पीनी होती है, बैठना होता है। मेरा ये था, ये मैंने सीखा था उनके घर से जब हम नूरपुर की रानी कर रहे थे, मेहताब आप के घर में टीवी एक होना चाहिए, घर में बहुत ज़्यादा टीवी नहीं होना चाहिए, हर कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी थी ना तो उसके बाद हमने रूल बनाया जो कि अब वो हमने रूल खुद ही तोड़ दिया, अब हम सबके कमरे में टीवी है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कमरे में आके बच्चे टीवी देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं आते तो मुझे बुरा लगता है कि तुम आओ मेरे रूम में आके टीवी देखो। तो इसी बहाने बैठ जाते हम बैठ जाते हैं। तो जब हमारे घर में वो टीवी एक था, जब हम सब साथ में, जब मैं नूरपुर की रानी करके आई, मैंने कहा घर में टीवी एक होगा, किसी के बेडरूम में टीवी नहीं होगा। सुबह क्या होता था मेरा और सबू का, फॉर एग्जांपल सबरीन की लड़ाई हुई किसी बात पे, हम बात नहीं करें, अब सुबह मजबूरन नाश्ता बैठ के साथ करें। अब नाश्ता आते भी हंसी आ जाए, हंसे तो बस, हंसे तो फंसे, फिर दोस्ती हो जाती थी। तो ये मेरा हमेशा रूल है कि पहल करती हो मनाने में? हाँ हमेशा, मैं मुझे पता होता है ना मैं गलत नहीं भी हूँ तो भी पहल करती हूँ। मुझे सॉरी करने में अच्छा लगता है, फील गुड। जब मैं गलत नहीं भी हूँ ना तो भी मैं सॉरी करती हूँ, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। कभी किसी बात मुझे छोटा बनना, झुकना अच्छा अच्छा लगता है। फैमिली के अलावा कौन अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा? मेरे मेरे दोस्त, मेरी टीम, जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, आई लव देम, मैं उनसे इश्क करती हूँ, मैं उनको बताती नहीं हूँ, मैं आज बता रही हूँ, मैं उनसे इश्क करती हूँ, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है जिनके साथ काम करती हूँ, चाहे वो मेरी मॉर्निंग शो टीम हो, चाहे वो मेरी ड्रामे की टीम हो,
हाँ मैं हाइपर भी होती हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं नाराज़ भी होती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, 4-5 दोस्त, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक दो लोग और थे, मुझे लगा कि दोस्ती में भी प्यार में भी आपको धोखा नहीं देना चाहिए। जब मुझे धोखा देते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, तो मैं फिर हर्ट भी हुई। बट मेरे पास बहुत अच्छे, मेरे बहुत कम दोस्त हैं बट बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। हाइसम मेरा वाहिद वो दोस्त है। मेरे मैं ज़्यादा फ़ोन पे मैं मैसेज कर सकती हूँ, मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे फ़ोन इस्तेमाल करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन हाइसम हुसैन जो है, सब लोग जानते हैं डायरेक्टर, वो मेरा वाहिद दोस्त है जिससे मैं घंटों बात कर सकती हूँ, घंटों, और मैं उस पर घंटों बात किसी भी शो में बात कर सकती हूँ।